भी तो साइन इनवर्स इनवर्स की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डोमेन और रेंज आएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे ही क्या आएगा आपका डोमेन और रेंज। तो साइन एक्स का सबको याद है, साइन एक्स का और किस किस का सेम होता था डोमेन, साइन एक्स का सेम होता था और किस किस का उसके जैसा होता था, बताओ फटाफट बताओ। टेन एक्स का सर्कोस नहीं भाई, कॉस एक्स का कैसा होता था, 0 to π का होता था उसका। तो टेन एक्स का क्या होता था डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन क्या बोलते थे, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, यही होता था। रेंज क्या होती थी, ऑल रियल नंबर्स। साइन एक्स का क्या होता था बताओ, ये आपको क्लियर होना चाहिए माइनस क्वेश्चन। सर साइन एक्स का होता माइनस था फाइव बाई टू टू फाइव माइनस बाई पाई टू बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। रेंज होती थी -1 से 1, -1 to 1। ठीक है। और कौन सा किया था इसके साथ, एक और कौन सा आता है ये π/2 वाली सीरीज में, फैमिली में कौन आता है, को क्या आता है, कॉसेक्स, कॉसेक्स, सर कोसेक आता है। सर ठीक है। कॉसेक्स आता है, इसका क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, इसमें से 0 माइनस कर रियल नंबर, देंगे, और यस रेंज मैम, क्या रहती थी इसकी, रेंज रहती थी ऑल रियल माइनस, नंबर एक्सेप्ट ये ओपन ब्रैकेट -1 से 1, ठीक यस है। सर, ऐसे ही दूसरा था, दूसरा भी एक बारी देख लो, क्यों बता रहा हूँ ये, क्या रहता हुआ है आपने, अब जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन कौन सी फैमिली रह गई। बाकी रह गई आपकी कॉस की फैमिली, कॉस एक्स, ठीक है। ये मैंने इसका इनवर्स नहीं लिखा, इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, बस आपको ये याद रखना, इन सबको प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसको ये टैन का प्रिंसिपल डोमेन है और ये कॉस एक्स का प्रिंसिपल डोमेन है, ठीक है। एक बार इनका देख लेते हैं, कॉस कॉट और कौन सा था इसके साथ, सेक, यस और नो, यस यस और कॉट तो कॉस एक्स का क्या होता था, बहुत ही है, बताओ फटाफट क्या होता था कॉस एक्स का। 0 से π। सर जीरो से हाँ, पाई 0 से π क्लोज ब्रैकेट, रेंज होती थी -1 से 1, -1 रीजन भी बताया था आपको 11th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, यूनिट सर्कल उसमें से था, ठीक है। सेक एक्स का क्या होता था, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट होता था क्लोज, बताओ क्लोज क्या होता था, क्लोज क्लोज क्लोज, हाँ क्लोज ब्रैकेट 0 से π। और यहाँ पे क्या माइनस क्या करते थे हम भाई, भाई, 90 डिग्री हाँ कॉस पे क्या होता है, 0 होता है, और कॉस का सेक शॉर्ट अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो बस ये था। और इसकी भी रेंज क्या थी, डिफाइंड होता है ना पाई बाय टू पे सेक। हाँ π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे इसकी भी रेंज क्या थी, क्या थी रेंज, -1 से 1 ठीक है। ओपन अब ब्रैकेट, कॉटेक्स, कॉटेक्स क्या था आपका आखिरी रह गया, कॉटेक्स ओपन ब्रैकेट 0 से π, और इसका तो सिंपल है आपका, रेंज ऑल रियल है नंबर, ऑल रियल ऑल नंबर्स, रियल ठीक है। नंबर्स, हमने डोमेन के क्वेश्चन करे थे तो आज रेंज पे बनाएंगे, ठीक है, आज रेंज पे बनाते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें बोल रहा है इसकी रेंज फाइंड आउट करो, तो बताओ कैसे निकालोगे इसकी रेंज। डोमेन का तो मैंने आपको बता दिया था, बहुत इजी था, ये रेंज में भी ये बहुत इजी है, बताओ कैसे निकालोगे इसकी रेंज, इसकी रेंज कैसे निकालोगे, इसकी रेंज कैसे निकालोगे बताओ। देखो दो तरीकों से हम रेंज सर निकालेंगे, एक्स की जगह 0 और 1 को रख के देखेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, दो तरीकों से कर सकते हो आप, एक तो जी शॉर्टकट मेथड हो गया और एक आपका वही मेथड है ग्राफ वाला मेथड, इससे समझ लो कैसा ग्राफ बनता था जी इसका, तो ऐसा बनता था, ठीक है। इसका ऐसा ग्राफ बनता था, कहाँ से कहाँ की होती है, -π/2 से π/2, यही होता है, यही होता है। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, sin x 0, sin x 0 कब होगा, sin x 0 कब होगा बताओ, sin x 0 कब होगा, sin x 0 कब होगा, 0 पे 0 होगा, यस और नो, 0 पे 0 होगा, यस और नो। यस सर, साइन एक्स क्या क्या मतलब है इसका, अगर इसको मैं ले जाऊं वो एंगल जिस पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है, कब होगा भैया, sin x 0 पे 0, 0 पे होगा, जीरो और क्या डिग्री बोल पे रहा फाइव है, 1, रेंज आउटपुट 1 कब आएगा, मतलब आउटपुट 1 कब आएगा, बाय टू, पाई फाइव बाय बाय टू टू पे से आएगा, आउटपुट आएगा, तो आप ऐसे देख सकते हो 1, ठीक है। आउटपुट कब आएगा, आउटपुट मेरा 1 आएगा जब मेरा एंगल, जब मेरा एंगल क्या होगा, पाई बाय, फाइव बाय टू, या तो डायरेक्ट कर सकते हो इसे, कैसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स, ठीक है, x 0, वो एंगल जिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है, 0 और यहाँ पे 1, वो एंगल जिस पे साइन की वैल्यू
वन होती है, वो क्या होता है पाई बाय टू। पाई बाय टू तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, रेंज होगी जीरो से पाई बाय जीरो टू, से पाई बाय टू। जीरो से पाई बाय टू क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये तो कॉस एक्स का हमने बताया था, कॉस एक्स में बस एक ही पॉइंट मैं आपको रिमेम्बर करने के लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, ये कॉस यस सर। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अच्छा अगर ये आपको कॉस कॉस इन्वर्स में अगर माइनस आ रहता है तो उसे पाई से माइनस करते हैं ना। हाँ पाई से माइनस करते, उस कॉन्सेप्ट पे भी हाँ आऊंगा, क्यों उस पे नहीं आए हम, अगर आप देखोगे तो इस बार जो सीबीएसई का आप लोगों का सिलेबस है शायद वो उसमें डिलीटेड है, जितना मैंने देखा है। मैंने पुरानी मैथ्स की बुक भी देखी थी, अपडेटेड भी मैंने डाउनलोड करी एनसीईआरटी से, जिसमें मैं देख रहा हूँ वो सब चीजें आपके डिलीटेड है। पुरानी बुक मेरे पास पड़ी है, मैं बताता हूँ, पुरानी बुक में तो आपका इनवर्स था, साइन एक्स साइन इनवर्स 1/x वाले फॉर्मूले वगैरह भी थे, वो सब अभी आपका डिलीटेड हो गया है ना, काफी कटिंग हो चुकी है इस बार सिलेबस से। रिड्यूस सिलेबस है आप सबके पास, यस सर नो? यस सर, रिड्यूस है सर, बुक्स भी नहीं है। यस सर आगे। है ना, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, अगर कोई पुरानी बुक्स भी इस्तेमाल कर रहा है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लो आप नई बुक, और एटलीस्ट उसमें से कटिंग कर लो कि जो जो भैया मेरे पास पुरानी बुक है तो उसको कट कर लो एक बारी, ताकि आपको प्रिसाइसली पता रहे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बारी हम चीजों को रिकॉल करना चालू करेंगे, तो यहाँ पे भी बैक टेस्टिंग से करेंगे। और बताओ मुझे कि कॉस इनवर्स की वैल्यू वन कब होगी, कॉस इनवर्स की वैल्यू वन कब होगी बताओ? जीरो पे। जीरो पे। कॉस इनवर्स की वैल्यू वन कब होती है अपनी, जीरो पे। कॉस इनवर्स की वैल्यू वन कब होगी, यहाँ पे वन होता है नहीं, कब होगी, जीरो पे। ठीक है, 1/2 हाफ कब होगी इसकी वैल्यू, हाफ फाइव बाय थ्री, फाइव बाय थ्री हो गया, पाई बाय थ्री। तो बैक टेस्टिंग के थ्रू भी आप बना के भी देख सकते हो, जीरो कब होगी, कॉस जीरो कब होगा, कॉस जीरो कब होगा, फाइव बाय टू पे, फाइव बाय टू पे, फाइव बाय टू पे ये जीरो होगा। अच्छा माइनस वन कब होगा, माइनस वन, माइनस वन का माइनस वन कब आएगी इसकी वैल्यू, जीरो नहीं, थ्री पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर। कैसे भाई थ्री पाई बाय फोर कैसे, नो सर फाइव, वन कब होता है, सॉरी सर 180 पे आएगी, पाई पे आएगी, पाई पे आएगी, पाई पे आएगी। माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू सोच के बताना, 2π/3। अभी मैं ग्राफ तो इसमें से आप समझ सकते हो, बट देखो एक ग्राफ होता है आपका कॉस एक्स का बनता है, एक बनता है कॉस इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ में ना अगली क्लास में वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दूंगा, ग्राफ से समझो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स की वैल्यू वन कब आएगी, वन कब आएगी भैया, कॉस इनवर्स की वैल्यू जब जीरो होगा, कॉस कॉस सॉरी कॉस की वैल्यू वन कब आएगी, जब एंगल क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, एंगल ले रहे हैं, इसके एंगल कहाँ से कहाँ के तक क्या डोमेन होती है, जीरो से लेकर पाई डोमेन होती है, किसकी होती है भाई, जीरो से लेकर पाई डोमेन, कॉस एक्स की, यही होती है cos x। हाँ तो yes, तो कॉस एक्स की वैल्यू वन कब आएगी, कॉस एक्स की वैल्यू वन आएगी जब एंगल जीरो होगा। दूसरा देखो, कॉस एक्स की वैल्यू हाफ कब आएगी, हाफ कब होगी, जब एंगल क्या होगा, यहाँ से देखो कम होगा, पाई बाय टू से कम कब होता है, यानी 90 डिग्री से कम, ये कितना हो गया, पाई बाय थ्री। ठीक है, कॉस इनवर्स की वैल्यू जीरो लिखा है, इसका इसका क्या मतलब है, कॉस की वैल्यू जीरो कब होगी, कॉस एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, वैल्यू जीरो कब होगी, कौन से 90 पे, तो 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे वैल्यूज है। ठीक है, या आप ग्राफ से बैक टेस्टिंग कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला उसने भैया, उसने बोला कॉस की वैल्यू माइनस वन कब होगी, माइनस वन कब होती है वैल्यू, पाई पे होती है, यस और नो, यहाँ पे ये पाई है, ये एक्स लिखा है, ठीक है कंफ्यूज मत होना, ये क्या होगी इसकी वैल्यू पाई पे, माइनस वन यानी पाई पे। कॉस की वैल्यू माइनस वन बाय टू कब होगी, माइनस वन बाय टू बताओ, माइनस वन बाय टू कब होगी, टू पाई बाय थ्री लिखना है, वो आपको मैंने समझा दिया था क्या कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, यस और नो, यस सर, ये अभी पीछे लिखवाया ना, ये तो यूज करना है भैया, कब होता है 1/2, 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है,
थ्री पर, तो उसका सप्लीमेंट्री लिख देंगे, उसका नेगेटिव क्या होता है, उसका सप्लीमेंट्री होता है फाइव माइनस फाइव बाय थ्री, जो क्यों अब जो अभी लेटेस्ट बच्चे ज्वाइन हुए जिनका क्वेश्चन है कि माइनस फाइव बाय थ्री क्यों लिखा, भैया रेंज क्या है उसकी, रेंज क्या सॉरी डोमेन क्या है उसका, जीरो से लेकर पाई तक ही ले सकते हो अपन, जीरो से लेकर पाई तक, ठीक है, जीरो से लेकर पाई में पॉजिटिव ही चीजें लेनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया टू पाई बाय थ्री, माइनस अंडर ये बता दो माइनस वन बाय अंडर रूट टू, वेरी गुड, मतलब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं इसके रेंज पर, इसका रेंज समझते हैं, खुशी है एंड्रेस किया, कोई डाउट, किसी को भी डाउट हो तो बच्चे डायरेक्ट पूछ लेना, मेरा वो गूगल मीट पे नहीं हूँ मैं, पीपीटी पे हूँ इस पर, तो मेरा शायद ध्यान ना जाए, ठीक है। अब आ जाता है इस क्वेश्चन का डोमेन पूछ रहा, बताओ भैया इसका डोमेन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना डोमेन पूछ रहा कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स का डोमेन कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ के बीच होता है, इनवर्स की बात हो रही है, जब आप कॉस एक्स, हाँ नहीं नहीं देखो ध्यान दो, जब मैं कॉस एक्स की बात करता हूँ तो उसका डोमेन जीरो से पाई होता है, यहाँ पे क्या लिखा है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, जो इसकी रेंज होती है कॉस एक्स की, जो रेंज होती है वो इसका डोमेन होता है, यानी माइनस वन से वन, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू वन, यस और नो। अब एक सिंपल सी कोई भी मुझे बात बता दो, कोई भी मुझे बात बता दो, ध्यान से समझना, ये पूरी चीज है एक्स स्क्वायर की टर्म्स में, पूरी चीज है एक्स स्क्वायर की टर्म्स में, क्या ये माइनस वन होगा, क्या ये माइनस वन होगा, यस और नो बताओ, नहीं हो सकता ना भाई, स्क्वायर कभी भी माइनस वन थोड़ा होता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो जीरो हो गया, यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब ये चीज पॉजिटिव है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया, यही हो गया, यस सर। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वालिटी होगा, हाँ ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं हो रहा, अब ध्यान से अब इस चीज को समझना, ये क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये तो जीरो हो गया, और इधर बच गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यानी वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो एक बात बताओ इसका आंसर अब क्या होगा, बताओ इसका क्या मतलब है, वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा जीरो लेस देन इक्वल्स टू वन, वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यही आ गया था, इसका मतलब क्या चीज सर, एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन से कह रहा हूँ, अगर इस किससे ज्यादा लेस देन इक्वल्स टू वन है, ये वाली चीज तो हमारी चली गई, क्यों, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर में दिया हुआ है तो माइनस में तो आएगा नहीं, यहाँ पे हम जीरो लिख सकते थे, जीरो लिखते हुए तो वहां पे चला जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, उसका तो कोई लॉजिक नहीं बचा ना इक्वेशन का, इतनी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारी काम की है बस, उसका कोई लॉजिक नहीं बचा क्योंकि वो माइनस में है। अब एक बात बताओ मुझे, ये हमने जब इसको सॉल्व किया ये आ गया मेरा वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, क्या है सर, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है क्योंकि वन है, हाँ वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसका क्या मतलब होगा, यानी रेंज क्या थी मेरी, रेंज क्या होगी मेरी बताओ, रेंज क्या होगी,
जीरो से लेकर जीरो से पाई तक, वन तक, और वन को क्या इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? क्लोज ब्रैकेट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट करूंगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ओपन रहेगा, ध्यान से, क्लोज्ड, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा इसका लेवल हार्ड था क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है, वैसे ऐसा आता नहीं है, ठीक है, बट आपके लिए मैंने डाल दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन को देख के बताओ, ये बताओ, ये तो हो जाएगा बहुत इजी है, रेंज बतानी है इस क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स एक्स है। अब एक कॉस इनवर्स एक्स है भैया, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, आपको पता है क्या रेंज होती है कॉस इनवर्स एक्स की, क्या रेंज होती है? सर जीरो से पाई। हाँ, जीरो से पाई होती है रेंज, बिल्कुल होती है, बट रेंज पे आने से पहले जीरो से पाई बिल्कुल होती है, बट अभी ध्यान दो, फाइंड द रेंज। तो जब हम रेंज निकालते थे फंक्शंस में तो क्या करते थे, हम क्या करते थे बताओ, कोई भी एक जना बताओ क्या करते थे हम? अब ये वाई क्या होता है बच्चों, अगर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ाई, वाई क्या होता है, क्या ये होता रेंज, अगर सिंपल भाषा में बोलूं रेंज होती है, आउटपुट होता है, एक्स क्या रहता था अपना, इनपुट, इनपुट रहता था। अब एक बात बताओ, वो क्या बोल रहा है, इनपुट माइनस वन से जीरो ही ले सकते हो, ये बोल रहा है इनपुट अगर मैं माइनस वन से जीरो ही ले सकता हूँ, तो एक बात बताओ, इनपुट क्या है यहाँ पे, मेरा एक्स है, यानी इनपुट मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस वन, क्लोज ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन इंक्लूड, यही है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये क्लोज है, यानी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यही मतलब है ना, ये अभी मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ, आउटपुट पे नहीं आया, ये ध्यान रखना, ये क्या है मतलब, ये क्या कहने की बात क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस वन कॉमा जीरो क्लोज ब्रैकेट जीरो, इसका मतलब क्या है, मैं एक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, इनपुट में मैं क्या ले सकता हूँ बताओ, पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई थी, लेट करके क्या ले लेते थे, सिर्फ थीटा ये करते थे, आप सिंपल उसी टर्म्स में जाओ तो कॉस थीटा क्या हो गया आपका, कॉस थीटा क्या होगा, एक्स हो गया। अब एक बार बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको ही देख के बताओ, माइनस वन का मतलब, माइनस वन का मतलब थीटा क्या हो सकता है, थीटा क्या हो सकता है, अरे भाई कॉस का ग्राफ बना लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ थीटा माइनस वन पे क्या होगा, माइनस वन पे क्या होगा, ईमानदारी से बताओ कैसा ग्राफ बनता है इसका, 180 होगा, 180 माइनस वन पे क्या होगा, 180 और जीरो पे, जीरो पे क्या होगा, पाई बाय टू, यस और नो, पाई बाय टू, तो क्या हो गया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, क्लोज ब्रैकेट पाई बाय टू और यहाँ से लेकर पाई तक, देखो ना ग्राफ में ध्यान से देखो, जीरो माइनस वन आ गया है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, जीरो और माइनस वन के बीच में तो है, जब माइनस वन होता है तो एंगल क्या होता है, अगर मैं माइनस वन इनपुट लू तो मेरा क्या आएगा आउटपुट में, पाई आएगा, यस और नो, और जीरो लोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू, पाई बाय टू, तो यानी अगर मैं माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी टर्म्स लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, तो मेरा आउटपुट किसके बीच में रहेगा, मेरा आउटपुट क्या, देखो यहाँ पे, पाई बाय टू से पाई, यहाँ पे देखो, चलो मैं जीरो से बीच में यहाँ पे कुछ लिया, मैंने दूसरे हिस्से बनाता हूँ, ये मैंने ये कुछ ले लिया जीरो पॉइंट समथिंग, आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है, पाई बाय टू से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पाई बाय टू से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि जीरो इनपुट पे एंगल क्या होता है, पाई बाय टू, माइनस वन पे क्या होता है, पाई, तो अगर मैं जीरो से माइनस वन कुछ भी इनपुट लूंगा, जीरो से माइनस वन कुछ भी इनपुट लूंगा, अगर इनको इंक्लूड कर लूंगा तो पाई बाय टू पाई हो जाएगा, इनके बीच में कुछ भी लेता हूं तो आंसर कहाँ आएगा, आंसर कहाँ आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा, आंसर कहाँ आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा, पाई बाय टू से पाई के बीच में आएगा, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, कोई ऐसा जना जिसको ना क्लियर हो, यस सर, क्लियर है सबको, एक मिनट को ग्राफ ग्राफ हो तो इसका दिखा देते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, क्या बोल रहा है वो, कॉस इनवर्स की बात कर रहा है, वो बोल रहा है भैया जीरो से लेकर माइनस वन तक इनपुट लो, ठीक है जी, जीरो इनपुट लोगे तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय टू, आंसर क्या आएगा, पाई बाय टू, माइनस वन इनपुट लोगे तो क्या आता है, पाई आता है, ये तो सब आप सबको पता है,
सबको पता। yes, अब वो क्या कह रहा है, जीरो से लेकर वन के बीच में लेना, माइनस वन के बीच में। जीरो और माइनस वन लोगे तो मुझे पता है पाई बाय टू और पाई आएगा। तो अगर इनके बीच में भी कोई चीज लेते हो बच्चों, कुछ भी बीच में लो, तो भी आंसर कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है। बैक टेस्टिंग से आपने क्या करना, जितने क्वेश्चन है खुद घर जाके उस पर ग्राफ बना के चीजों को देखो, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्ड हो जाए। समझ में आया ये क्यों है? ठीक है, तो आउटपुट रेंज क्या होगी आपकी, रेंज क्या होगी, इसी के बीच में होगी। ठीक है, वैसे कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, जीरो से लेकर पाई तक होती है, यस और नो? ठीक है, जीरो से लेकर पाई तक होती है। बट अगर हमने फिर आगे क्या कर दिया यहाँ पे हमने, अच्छा कॉस इनवर्स का रेंज डोमेन क्या होता है, माइनस वन से वन होता है सर। ठीक है, तो रेंज जीरो से पाई होती है, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डोमेन ही इसका और कम कर दिया ना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, डोमेन माइनस वन से इसको जीरो कर दिया, तो अपना ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया? रेंज क्या होती है, आउटपुट होता है। अगर मैं इनपुट ये लूंगा, एक्स बोला है ना, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा जीरो, ये क्या मेरा इनपुट है। अगर इनपुट ये रहेगा तो आउटपुट मैक्सिमम यही हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है, सिंपल था रेंज का क्वेश्चन। अब एक और रेंज का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, रेंज बताओ इसकी, क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई। क्या दिया हुआ है, टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई। घबराना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी। x बिलोंग कहाँ कर रहा है, जीरो से लेकर वन तक, जहां पे वन पे क्लोज्ड ब्रैकेट है और जीरो पे क्या है आपका, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। तो सिंपल से एक बात बताओ, यानी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इनवर्स में डोमेन का x की वैल्यू जीरो से लेकर, एक मिनट पहले सुनो ध्यान से बच्चों। कॉस इनवर्स में, इनवर्स में हम बोलते थे डोमेन क्या होता है, क्या होता है, माइनस वन से वन। ठीक है, अब एक सिंपल सी मुझे बात बताना, ध्यान से चीजों को समझना। इस क्वेश्चन में हम असल में क्या बोलते हैं, हम तो यही बोलते हैं ना सर, कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है माइनस वन से वन के बीच में होता है, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं ये हम आम भाषा में कॉस इनवर्स की बात करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या किया है इसने, बदल दिया इसको, बस चिंता नहीं करनी और सॉल्व कर देना। जरा कॉस इनवर्स का डोमेन बताओ यहाँ पे, कहाँ से क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिखूं या क्या लिखूं, बताओ 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 क्या लिखेंगे सर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो ए वन वन। एक्स, चलो हाँ, ये कॉस इनवर्स की बात नहीं करता, पहले मैं इनपुट की बात कर लेता हूँ। इनपुट क्या है ग्रेटर देन जीरो, भाई इनपुट यही है ना, और लेस देन इक्वल्स टू वन। ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था भाई, इनपुट सर आप जीरो से बड़ा ले लो, जीरो को मत इंक्लूड करो, और लेस देन इक्वल्स टू वन ले सकते हो। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? इसका क्या मतलब है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, अगर इनवर्स करते हैं तो मतलब इसका आउटपुट भी क्या हो गया, आउटपुट भी क्या हो गया, बताओ आउटपुट भी क्या हो गया, जरा यार ये बना के देखो। क्या जीरो पे क्या होता है उसका, जीरो पे क्या होता है, जीरो, और वन पे क्या होता है, वन पे क्या होता है, ये वन पे, अगर जीरो पे जीरो होता है और वन पे क्या होता है, पाई बाय टू होता है कि नहीं होता वन पे? अरे कॉस वन कितना होता है बच्चों, कॉस वन कितना, कॉस इनवर्स, अगर मैं ये आपसे पूछूं ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स यहाँ पे वन पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा, वन कब आती है उसकी, वन जीरो जीरो डिग्री पे, और कॉस इनवर्स जीरो कब आता है, कॉस इनवर्स जीरो, इसका क्या मतलब है, जब कॉस की वैल्यू जीरो होती है, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, पाई बाय टू, पाई बाय 90 डिग्री पे, कॉस की वैल्यू जीरो कब, वन कब होती है, जीरो, बस। तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन पाई बाय टू, यस और नो? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, इतना पॉइंट समझ में आया ये, सही साइन तो इस तरफ आना चाहिए ना, क्यों आना चाहिए उस तरफ, ध्यान से देखो बताओ मुझे, क्यों आना चाहिए उस तरफ बताओ, ठीक है नहीं आया सर मंच,
जीरो डाला पुट किया कहां गया कॉस एक्स का ग्राफ? क्या दिया हुआ भैया? कॉस इनवर्स जीरो कब होता है भाई? वन कब आती है वैल्यू? वन कब आती है? जीरो पे जब ही जीरो आएंगे। होता है, ठीक है। इसी में दिया होगा, दूसरा नहीं दिया हुआ। ये जीरो दिया हुआ है, ये जीरो कब आती है बताओ? जीरो कब आती है? ध्यान से समझना चीजों को, जीरो कब आती है? फाइव बाई टू पे। पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू पे वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है कॉस एक्स की, ठीक है। कॉस एक्स की वहां पे मैंने क्या लिखा है? इनवर्स लिखा है ना? यस और नो, इनवर्स लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर। यस इनवर्स में उल्टा हो जाता है बच्चे, इनवर्स में उल्टा हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद तो कुछ भी यस सर। मुश्किल नहीं। इसके बाद कोई भी स्टेप मुश्किल है बताओ? कोई भी स्टेप मुश्किल है? अब कुछ भी नहीं है। क्या दिया हुआ है? टू कॉस इनवर्स एक्स, जरा टू से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? जीरो लेस देन इक्वल्स टू टू कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई, यही हो गया। अब क्या दिया हुआ इसमें? प्लस पाई किया हुआ, प्लस पाई कर दो। इसमें पाई प्लस करोगे तो ये पाई हो गया लेस देन इक्वल्स टू टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये कितना हो गया? तो क्या आ गई आपके पास रेंज? रेंज क्या आ गई है आपकी? क्लोज ब्रैकेट पाई, ओपन ब्रैकेट टू पाई। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जब तक आप इन क्वेश्चनों को खुद नहीं करोगे, आप एज अ वीडियो देखोगे ना, तो नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है, फिर चीजों को समझना है। क्या होता है? कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में डोमेन और रेंज बदल जाती है, इसलिए सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। अब एक बार बताओ, इनपुट क्या बोला था मैंने? इनपुट ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से चीजों को समझो, इनपुट क्या था? इनपुट अगर मैं जीरो लेता हूँ, जीरो से लेकर वन तक, तो एंगल भी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक आ रहे मेरे पास एंगल? जीरो से पाई बाय टू के बीच में आ रहे एंगल भी कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहे? जीरो टू पाई बाय टू के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे ना तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। मैं नोट्स डाल दूंगा आज, तो आप नोट्स को देखना, उससे आपको चीजें क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुझे बताओ। बोलता है कॉस इनवर्स एक्स वन, कॉस इनवर्स एक्स टू, कॉस इनवर्स एक्स थ्री, थ्री पाई है, तो फाइंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये बोल रहा है। कैसे करोगे एक बार बताओ मुझे, कैसे करोगे? सर कॉस इनवर्स कॉमन लेते हैं। अब आपको पता है, जरा एक बात मुझे बताओ, कॉस इनवर्स में डोमेन और रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स में डोमेन और रेंज क्या होता है? आप एक बात बताओ, ये थ्री पाई दिया हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान, हाँ वेरी गुड, एक बात ध्यान दो, ये कॉस इनवर्स एक्स है वन, कॉस इनवर्स एक्स टू, कॉस इनवर्स एक्स थ्री दिया हुआ। आप मुझे खुद एक चीज बताओ, अपने आप से ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई? इन तीनों का टोटल थ्री पाई दिया हुआ है, थ्री पाई अगर टोटल है तो एक वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है भाई? जीरो से पाई इसकी ये होती है, पाई ठीक है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है बताओ? पाई वेरी गुड, पाई जा सकती है, वेरी गुड, पाई जा सकती है। तो अब मुझे बताओ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या होगा? एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या होगा? कॉस एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए उसका एंगल पाई है, कॉस एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए उसका एंगल वन है, पाई है। सर -1। वेरी -1। -1, तो एक्स वन क्या हो गया? -1 हो गया। एक्स टू क्या हो गया? -1। एक्स थ्री क्या हो गया? -1। इन तीनों का टोटल कर लो, आंसर क्या आएगा? -3 हो गया, ठीक है। क्लियर क्लियर है? एक टेन सर। एक्स, टेन एक्स का, चलो ये तो आपको टेन एक्स का, अच्छा टेन एक्स का करने से एक बारी मैं क्या करूंगा, मुझे जहां तक कंफ्यूजन है ना, आप सबको ग्राफ एक बारी देख लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक बारी ग्राफ्स करवा दूंगा आपको सारा, ठीक है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी ग्राफ करवा दूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको इसके इनवर्स के भी ग्राफ बनवा दूंगा दोनों, ठीक है। बुक में है
ऐसे तो काम की चीज नहीं है, बट आप लोग करोगे बैक टेस्टिंग करके करोगे ना चीजों को, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली चीजें तब अच्छे से ज्यादा क्लियर होगी, रेदर देन जब तक आप ग्राफ बना के चीजों को नहीं करोगे तब तक इसका इनवर्स और ट्रिगो में सिंपली फंक्शन में और इनवर्स फंक्शन में आप कंफ्यूज होते रहोगे। अब ये बोल रहा है टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन का क्या मतलब होता है, टेन की वो वैल्यू जिसपे इसकी टेन का वो एंगल जिसपे इसकी वैल्यू वन होती है, टेन का वो एंगल जिसपे इसकी वैल्यू वन होती है कहाँ पर होती है, पाई बाय फोर, तो पाई बाय टेन की वो एंगल जिसपे इसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है, टेन की वो एंगल जिसपे इसकी वैल्यू वन होती है, तो ये हो गया पाई बाय टू से कम पाई बाय फोर, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ दूसरा क्या बोल रहा है, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री डेफिनेटली वन से तो ऊपर ही आता है, तो ये बात बता पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री तो कौन सी वैल्यू पर टेन की वैल्यू, कौन से एंगल पर टेन की वैल्यू पाई बाय थ्री वो होती है, अंडर रूट थ्री होती है, आगे पाई बाय थ्री, क्लियर, ठीक है, ये भी हो गया। माइनस वन बताओ, माइनस वन सर माइनस फाइव बाय फोर, माइनस फाइव बाय फोर क्यों, क्योंकि भैया इसका तो ऊपर नया डोमेन, ये डोमेन आपको याद, ठीक है, ये टेन एक्स का डोमेन है सॉरी, ठीक है, तो ध्यान रखना आप, तो हम टेन एक्स की ही बात कर रहे हैं वैसे, इसको अगर सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, इसको मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो इसको वाई ले लेते हैं, ये टेन वाई हो जाता है, इस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, टेन वाई की कौन सी एंगल पे वैल्यू माइनस वन होगी, तो टेन माइनस पाई बाय फोर पे उसकी वैल्यू माइनस वन होती है, इसलिए इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने से टेन के टर्म्स में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में किसके टर्म्स में आप बात करते हो, उस पर डिपेंड करता है सर, वन अंडर रूट थ्री, वन अंडर रूट थ्री, वन अंडर रूट थ्री, वन अंडर रूट थ्री क्या होता है, वन बाय अंडर रूट कितना, वन अंडर रूट थ्री कितना आता है टेबल में, उसके ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाय सिक्स होगा या माइनस पाई बाय सिक्स होगा, ठीक है, cos x का तो आपको बता ही दिया था, ये क्लियर है आप सबको, cos x का भी एक आधी वैल्यू देख लो आप, cos x इनवर्स 2 कब होती है भैया, अरे cos x का जब भी है ना कंफ्यूज नहीं होना अपने को, क्यों नहीं कंफ्यूज होना, जब भी cos x थीटा कब 2 होता है, cos x थीटा 2 कब होगा, जब sin थीटा 1/2 होगा, साइन थीटा 1/2 कब होता है, पाई बाय सिक्स में, ठीक है, तो इसको तो ऐसे याद कर लेना, कोसेक थीटा माइनस 2 कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा माइनस पाई बाय माइनस 1/2, तो थीटा कितना हो गया माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है, क्लियर है, ये भी हो गया, ये भी समझा दिया, इसके जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतना बनेगा, सेक का भी देख लो एक बार, सेक का भी देख लो, sec क्या दिया हुआ है, sec थीटा अंडर रूट 2 कब होगा, कब होगा भैया, जब cos थीटा 1/√2 होगा, cos थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा पाई बाय 4, ठीक है, आपने रेडियंस में टेबल बनाओ ट्रिग्नोमेट्री और चीजों को उस टर्म्स में देखो तो जल्दी आए समझ में आएगा, sec थीटा माइनस अंडर रूट 2 कब होगा, ये ध्यान से देखना, जब cos थीटा क्या होगा माइनस वन बाय अंडर रूट टू, माइनस वन बाय अंडर रूट टू कब होता है, कितना माइनस पाई बाय फोर, कॉस के टेबल में माइनस पाई बाय फोर आता है, नो सर इसको तो चेंज करना था, थ्री पाई बाय फोर, सप्लीमेंट्री एंगल थ्री पाई बाय फोर, इसका क्या रहता है कॉस का डोमेन, जीरो से पाई, याद है ध्यान रखना, ठीक है,
जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो आप कॉस की बात करेंगे, कॉस का जीरो से पाई रहता। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कॉट का भी देख लो एक बारी, कॉट का बताओ भैया, कॉट की वैल्यू वन कब होती है, कॉट की वैल्यू माइनस वन कब होती है, यही मतलब है ना इसका। जब थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, पाई बाय फोर, और यहाँ पर क्या माइनस पाई बाय फोर लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर भी ध्यान रखो माइनस पाई बाय फोर नहीं लिख सकते आप, क्यों नहीं लिख सकते, पाई माइनस पाई बाय फोर, पाई माइनस पाई बाय फोर यानी थ्री पाई बाय फोर, ये ध्यान रखना है। बैक टेस्टिंग करके इसका भी मैं बता देता हूँ कैसा बनता है, इसका कुछ ऐसा बनता है, आपको बैक टेस्टिंग करके उसमें भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। वन पे इसकी वैल्यू होती है पाई बाय फोर, और माइनस वन पे क्या होती है इसकी वैल्यू, और नीचे बना देता हूँ, माइनस वन पे इसकी वैल्यू होती है, थोड़ा उल्टा बन गया मेरा, थ्री पाई बाय फोर, ठीक है। ये जीरो से पाई का ध्यान रखना, माइनस वाली साइड पे अपने को नहीं जाना। क्लियर? ये रिलेशनशिप तो बता दिया था, अब आ जाते हैं एक और दूसरे कॉन्सेप्ट पे, कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स इनवर्स फंक्शन। इनका कंपोजिशन करते हैं, देखते हैं कंपोजिशन में क्या, ठीक है। कंपोजिशन समझने के लिए आपके दो ही है, साइन वाला ही है, उसके बाद के तो मैंने देखा बुक में डिलीटेड है, तो इसको कैसे याद रखोगे, साइन और साइन इनवर्स एक्स, ये बहुत ईजी है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स। जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री, मैं अभी पैटर्न बता रहा हूँ, इसके लॉजिक पे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ पैटर्न समझो ताकि क्वेश्चन अच्छे से बना सको, जितने क्वेश्चन है वो आप अच्छे से बना सको, इसलिए अभी सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना। क्या पैटर्न बता रहा हूँ, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ये ऐसे कटिंग करनी नहीं है, ध्यान रखना, ये सीधा एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, सीधा एक्स हो जाता है, मैंने करके दिखा दिया, ऐसे कहीं पेपर में मत कर देना, सीधा एक्स हो जाता है, ठीक है। अगर ट्रिगो फंक्शन बाहर है, ट्रिगो फंक्शन बाहर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधा एक्स लिख देंगे। अगर इनवर्स वाला फंक्शन बाहर है, इनवर्स वाला फंक्शन बाहर है बच्चों, तो फिर आपको देखना पड़ेगा चीजों को, फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका एक्स है वो प्रिंसिपल डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं, ये प्रिंसिपल डोमेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। साइन एक्स के प्रिंसिपल डोमेन में लाई करना चाहिए, क्या होता है, साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, अगर ये नहीं लाई कर रहा तो इसे लाई करवाओ भैया, ठीक है। बट अगर बाहर ट्रिगो फंक्शन है तो सीधा लिख देना, ट्रिगो फंक्शन में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये एक्स और एक्स शुड बिलोंग्स टू आपका प्रिंसिपल डोमेन, क्लियर है, एक्स शुड बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है। जब भी ट्रिगो फंक्शन है तो आपको कभी भी कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बाहर इनवर्स है तो आपका प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। पर अगर खाली ट्रिगो फंक्शन है तो उसमें तो कोई आपको चिंता करनी ही नहीं है, सीधा लिख देना है, कट काट के एक्स लिख देना है, जो भी एक्स की वैल्यू। देखो एक क्वेश्चन अब करते हैं फटाफट, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ है, ध्यान से बताओ, साइन इनवर्स साइन एक्स, मैंने क्या बताया इसको, आपको पाई बाय सिक्स को चेक करना है, आपने पाई बाय सिक्स को देखो, बताओ ये आता है कि नहीं आता साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स का जो आपका बताओ, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन की जब भी बात करेंगे ना, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू ही होगा वो, मतलब साइन के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल डोमेन में ये मत बोल देना भाई साइन इनवर्स में डोमेन तो माइनस वन से वन होता है, ये कभी प्रिंसिपल डोमेन नहीं है, प्रिंसिपल डोमेन यानी इसकी बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल डोमेन में लाई करता है, ये सुन लो, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ गया पाई बाय सिक्स। अब आप बताते जाना हर एक, इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ, सेवन पाई बाय सिक्स लिखा है, सेवन पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स होगा। अरे बच्चों एक बार बताओ, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन कितना, ये कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पाई प्लस थीटा,
क्या करा आप लोगों ने, तो पाई प्लस थीटा की है। अच्छा ये क्या क्या बन रहा है, ये पाई प्लस पाई बाय सिक्स बन रहा है क्या? हाँ अगर ये पाई प्लस एक मिनट बाकी एक मिनट शांत रहो, समझो पहले, ये बन रहा है पाई प्लस पाई बाय सिक्स। तो ये मैंने माइनस का फॉर्मूला लिखा है, ऐसे प्लस का भी फॉर्मूला होता है। प्लस के फॉर्मूले में क्या हो जाता है, ये माइनस साइन थीटा नहीं होता? यस और नो, ईमानदारी से बताना, माइनस साइन थीटा नहीं होता? हो जाएगा सर, होता है ना भाई, ये तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स माइनस साइन, माइनस साइन पाई बाय सिक्स, माइनस साइन पाई बाय सिक्स क्या होता है सर? माइनस हाफ, वो प्लस था इसलिए माइनस हो। इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके सही है। और फिर उसको सीधा माइनस पाई बाय सिक्स लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा आंसर इसका माइनस पाई बाय सिक्स, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है? दोनों तरीकों से लिखते हैं, माइनस अंदर भी चढ़ा देते हैं, सर माइनस साइन ब्रैकेट माइनस पाई बाय सिक्स है तो फिर तब भी वही आएगा माइनस का। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या आएगा इसका आंसर, सीधा माइनस पाई बाय सिक्स आएगा। अगर कंफ्यूजन है भैया, ऐसे नहीं समझ में आता अपने को, तो हमें तो बाहर ही लिखने की आदत है, तो कोई नहीं, लिखो बाहर, लिखो बाहर, लिखो। ये क्या लिखा आपने, माइनस साइन पाई बाय सिक्स, माइनस साइन पाई बाय सिक्स कितना होता है बताओ, माइनस पाई बाय सिक्स कितना होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 1/2, माइनस 1/2 हो गई वैल्यू, यस और नो? अब अगर लंबा मेथड है अगर कर रहे हो तो, अब ये बताओ इसका क्या मतलब है, साइन की वो वैल्यू जिसपे उसकी, साइन का वो एंगल जिसपे उसकी वैल्यू माइनस 1/2 है, तो कौन सा एंगल होता है वो, माइनस पाई बाय सिक्स होता है, साइन का माइनस पाई बाय सिक्स पे वैल्यू 1/2 होती है, माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है? नहीं तो मैंने डायरेक्टली तो बताया ही आपको, अगर अंदर वाली चीज आपकी प्रिंसिपल डोमेन में लाई कर रही थी ना, माइनस पाई बाय सिक्स जो लिखा था ये आपके प्रिंसिपल डोमेन में लाई कर रही थी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में थी, माइनस पाई बाय टू मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में थी, ठीक है? तो वहीं पर लिख देना था, नहीं तो अगर इस तरीके से करना है ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, समझ में आए? कंपोजिशन वाला दो क्वेश्चन कर लिए हमने कंपोजिशन के, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ कैसे करोगे, cos इनवर्स cos 4π/3, cos 4π/3 क्या होता है, cos 4π/3 क्या लिखो उसे? अरे कुछ मत, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इसके बारे में बताओ, 4π/3 को कैसे लिखो, 4π/3 को कैसे लिखो, वेरी गुड, पाई प्लस पाई बाय थ्री। तो एक बात बताओ, अगर कॉस को आप लिखते हो पाई प्लस थीटा, तो उसका आंसर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, हाँ ये कितना हो गया, माइनस कॉस पाई बाय थ्री, माइनस कॉस पाई बाय थ्री कितना होता है, माइनस 1/2, यही होता है, माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो इधर लिख दो बस कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हो गया माइनस 1/2। इसका क्या मतलब है, कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू माइनस 1/2 होगी, कौन से एंगल पे होगी, कौन से एंगल पे होगी, बताओ 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन से एंगल पे, 5/6, कौन से एंगल पे 1/2 होती है भाई, 1/2 किस पे होती है, 5/3, माइनस 5/3 ना, माइनस yes, भी तो लगा हुआ है। अब एक बात बताओ, माइनस पाई बाय थ्री, बस कॉस का प्रिंसिपल डोमेन तो जीरो से लेकर पाई होता है, तो क्या करें इसको, क्या करें इसको, इसका सप्लीमेंट्री लिख दें, इसका सप्लीमेंट्री yes, क्या होगा, क्या होगा इसका सप्लीमेंट्री, पाई माइनस पाई माइनस टू पाई बाय थ्री, हाँ वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, 2π/3, 2π/3, समझ में आया ही? समझ में आया? सर 2π/3 कैसे आया ये बता दीजिए। यस सर। 2π/3 कैसे आया?
क्लास के स्टार्टिंग में जब कॉस का मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या बताया था, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि हमने बताया है कि कॉस पाई बाय माइनस पाई माइनस थीटा, पाई क्या होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस पाई बाय पाई थीटा के। अब एक बात बताओ, ये कितना दिया हुआ है आपको, थीटा कितना आया आपका, थीटा कितना आया, -π/3 -π/3 माइनस पाई बाय थ्री। इस माइनस पाई बाय थ्री को यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय थ्री को यहाँ पर रखोगे तो क्या, थीटा की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे अगर पाई बाय थ्री रखोगे, क्यों रखोगे पाई बाय थ्री, ध्यान से आप समझना, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अभी आपके पास क्या आया, क्या आया यहाँ पे, क्या निकाला था, ये माइनस ध्यान पाई से, बाय थ्री माइनस पाई बाय थ्री, उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दूं, गलत तो नहीं है, नो सर थीटा कितना हो गया, पाई बाय थ्री हो गया कि नहीं हो गया, यस सर यस सर इसको सॉल्व करो, ये कितना आया, 2π/3। 2π/3 यस सर समझ में आ गया ठीक, क्लियर है, क्लियर है, थीटा से आप कंफ्यूज हो रहोगे, वो तो माइनस पाई बाय थ्री है, यहाँ डालूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, तो पाई प्लस पाई बाय थ्री, तो 4π/3 होना चाहिए, बट ये तो 2π/3, ऐसे समझो, ठीक है, ये पिछली क्लास में बताया, क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 2π/3, 2π/3, ठीक है, और करेंगे क्वेश्चन, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो अब क्या दिया हुआ है आपको, टेन इनवर्स 10π/4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टेन इनवर्स 10π/4, टेन का क्या होता है भैया, कोई भी बता दो, प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, टेन का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, सर -π/2 से π/2 हाँ ओपन, ठीक है, -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट में है ये, 3π/4 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, 3π/4 कहाँ पे आ रहा है बताओ, इस 3π/4 के बारे में कोई बताओ, कौन से में है ये, 3π/4 की वैल्यू क्या होगी अगर निकालोगे तो, 90 से तो ज्यादा ही होगी, यस और नो, यस भाई आप सिंपल सी बात बताओ, पाई बाय फोर 45 डिग्री होता है, इंटू तीन कर रहे हो तो 135 डिग्री है ये, तो ये तो डोमेन में आपके आ ही नहीं रहा, प्रिंसिपल डोमेन में नहीं आ रहा ना, अब क्या करें इसको, इसको क्या करें, एक बार बताओ, टेन के बारे में बताओ, टेन माइनस पाई बाय, एक बार ही किसी को म्यूट करो, किसी की आवाज आ रही है, किसी का डॉगी आउट कर रहा है, ये बताओ माइनस टेन -10 थीटा पाई माइनस थीटा कितना होता है, कितना होता है ये अगर लिखो तो, -10 सर -10 थीटा -10 क्यों, ये थीटा पता है ना सबको क्यों होता है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड दोनों लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में, और ये क्या होता है, इसमें भी ये माइनस ही होता है, -10 थीटा दोनों में होता है, दोनों में माइनस ही होता है ना, यस और नो, पहले तो यस इतने सर कंफ्यूज पाई थीटा करो, पॉजिटिव होगा क्यों, सेकंड तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, थर्ड हाँ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव प्लस होगा वाले में, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ उसमें पॉजिटिव होता है, तो अब देखते हैं इसको, अब 3π/4 को कैसे लिख सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाय फोर, -π/4 तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट -π/4 यही हुआ, यस सर तो इसका मतलब मैं 10π/3π/4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, -π/4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताओ, यस सर तो यस बस सर 10 इनवर्स -π/4 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, 10 की वो वैल्यू, एक मिनट, यहाँ तो सीधा ही एंगल दिया हुआ है ना, तो करने की जरूरत ही नहीं है,
करने की जरूरत ही नहीं है। इसको 3π/4 को क्या लिखोगे आप? 3π/4 का आंसर क्या आएगा? ये तो सीधा वही हो गया ना, ये तो कट कट आ गया। सीधा आंसर क्या आएगा इसका? वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन 3π/4 क्या होगी? क्या आंसर आएगा इसका? -π/4। कैंसल आउट कर लो ना आप सीधा, क्यों हम इतना स्टेप करना। ये हमने यहाँ पे लिखा इसका बाहर का भी तो था, हमने गलत कर दिया। ये आ गया, इतना समझ में आ गया आपको? टेन इनवर्स यस सर। और ये टेन दिया हुआ है, 3π/4 की जगह पे हम लिख देंगे माइनस है ना, यहाँ पे पाई बाय फोर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कट कट आके क्या आएगा? -π/4 आंसर। टेन इनवर्स से टेन कट जाता है, कंपोजिशन में पहले पॉइंट पे ही मैंने आपको बताया था। कहाँ लिखा था? यहाँ पे लिखा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा था, सीधा कट जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? -π/4। क्लियर है? ये सीधा काट लो। yes. नहीं काटना तो ये वाला स्टेप जो इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। फिर वैल्यू निकालते पाई बाय फोर की। अगर ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं समझ में आता हमें, कोई बात नहीं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक बात बताओ, टेन थ्री पाई बाय फोर की जगह पे क्या लिखेंगे? वो क्या लिखा था यहाँ पे? टेन इनवर्स टेन 3π/4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? -10π/4। -10π/4 कितना होता है बच्चों? माइनस वन होता है, यही होता है ना? 10π/4 45 डिग्री होता है ना? Yes, 45 डिग्री पे ये -1 होता है। इसका मतलब टेन की वो वैल्यू, टेन का वो एंगल जिसपे उसकी वैल्यू -1 आती है। आप बोलोगे भैया tan थीटा इज इक्वल टू -1 का मतलब है tan पाई बाय -π/4 पे -1 वैल्यू देता है, ठीक है? बस ऐसे कर लो, ये लंबा स्टेप है। तो ये आ गया -1 पे आ गया एंगल, थीटा क्या आ गया? -π/4। और ये आपके प्रिंसिपल डोमेन में भी लाइक करता है। क्लियर है? तो स्टेप वाइज करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? yes. नहीं तो कट करके लिख दो सीधा -π/4। अभी वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। टेन इनवर्स टेन 2π/3। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप, बिल्कुल यहाँ पे चौकन्ना हो जाना। 2π/3 क्या -π/2 से π/2 के बीच में लाया करता है? आप खुद ही बताओ भैया। 2π/3, पाई बाय थ्री कितना होता है? पाई बाय थ्री 60 डिग्री। yes, नहीं अरे कहाँ से लाइक, पाई बाय थ्री कितना होता है? आपको ना कंफ्यूजन होते ही, पाई बाय थ्री कितना होता है? 60 डिग्री। रूट थ्री सर नहीं करेगा। 60 डिग्री 60 डिग्री। ये तो 2 × 2 कर दो इसको, इधर 2 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2π/3 कितना हो गया? 120 डिग्री। क्या है इसका डोमेन भैया? -π/2 से π/2 ये लाइन नहीं कर रहा, लाइन नहीं कर रहा। तो 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं? -π/3 ऐसे लिख सकते हैं। टाइम ये कितना आ जाएगा? 2π/3 तो होता कर रहा था लाइक, पीछे वाला भी लाइन नहीं कर रहा था ना? हाँ, पीछे वाला भी नहीं लाइक कर रहा था, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? क्या होगा ये? -10π/3 ऐसा ना, अभी तो पीछे फॉर्मूला लिखा है ये। यस सर। अब ये हो गया आपसे, क्या आया इसका? -10π/3। बस रख दो इसको, इसको रख दो। तो क्या है? टेन इनवर्स -10π/3। तो -10π/3 यही तो पूछा इसने, बता दो। अब इसको और कैसे लिख सकते हो बच्चों? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम्हें मैं आपको बेसिक ना लिखवाऊंगा ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया है कि अगर बाहर इनवर्स दिया है, अंदर ट्रिगो का फंक्शन दिया है, तो हम एक्स को देखते हैं। अगर मेरा एक्स प्रिंसिपल डोमेन में आ जाता है लाइक करता हो, तो सीधा आंसर -π/3 लिख देते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको माइनस वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। कई बच्चे इसी में होते हैं, तो लंबा जाना ही क्यों है, यहाँ पे कट गया -π/3 हो गया। फिर हमें सिर्फ एक्स को देखना है, प्रिंसिपल डोमेन में लाइक करता है जी, हो गया प्रिंसिपल डोमेन में लाइक करता है, तो ये है, हो गया, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का ये। अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत, अगर कोई नहीं बता पाया तो बच्चों पे बहुत वो वाली बात हो जाएगी, ये तो बहुत वो वाली बात हो जाएगी। बताओ इसका आंसर क्या है, मतलब फिर या तो आप क्लास में
अटेंटिव नहीं हूँ, बताओ इसका आंसर क्या। बहुत इजी है, हाफ फाइव बाय सिक्स नहीं है, मैंने क्या बताया था, एक्स एज इट इज। जो ऐसा मत करा करो, एक्स एज इट इज। अगर साइन बाहर ट्रिगो फंक्शन दिया हुआ है, बाहर ट्रिगो का फंक्शन दिया हुआ है, तो अपने को चुपचाप उठा के एक्स को लिख देना। यही बताया था कि नहीं बताया था? चुपचाप उठा के एक्स को लिख देना, ट्रिगो का फंक्शन दिया हुआ है। यही तो की हुई है इसमें कहानी। साइन साइन इनवर्स मत, सीधा आंसर क्या जाएगा, 1/2। ये तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आपको बाहर ट्रिगो का फंक्शन है तो सीधा एक्स उतार देना। ठीक है, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और मिसलेनियस के क्वेश्चंस का देख लेंगे, मतलब पूरी नहीं कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत कट चुकी है आपकी वैसे, और मिसलेनियस देखेंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट आईटीएफ खत्म हो जाएगा, ग्राफ देख लेंगे एक बार अच्छे से, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं बना लूंगा कि कब क्या होता है कब क्या नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स, इसको कभी भी ऐसे मत लिख देना, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वो सब चीजें नहीं होती, उसके बारे में मैं एक बना के ले आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहीं तक रखते हैं, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ओके ओके।